शुक्रवार को मैनाठेड़ थाना पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। मैनाठेड़ पुलिस ने इस गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अक्सर बच्चे चिल्ड्रन बैंक वाले जिन नोटों का इस्तेमाल खेल खेल में किया करते हैं, उन्हीं नोटों के जरिए ये लोग ठगी को अंजाम दिया करते थे। इस गिरोह के सदस्य आमतौर पर लोगों से जमीन खरीद फरोख्त का सौदा करते और जमीन का सौदा तय करने के बाद बैनामा करने के बदले उनको जो रकम दी जाती थी उसमें ये चिल्ड्रन बैंक वाले 100, 200, 500 और 2000 के नोट शामिल कर दिया करते थे। इस तरह की रकम को आमतौर पर लोग बिना चेक किए अपने पास रख लेते हैं और इस तरह से ये गिरोह भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहा था। ये गिरोह काफी समय से लोगों से ठगी कर रहा था और इस मुताबिक कई मुकदमे भी अलग अलग थानों में इनके खिलाफ दर्ज कराए गए थे। गिरोह के इन सदस्यों के पास से 28,50,000 के चिल्ड्रन बैंक के नोट और 1,01,090 के असली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 4 देसी तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल, साथ ही कारें और मोटरसाइकिल, इसके अलावा 5 कीपैड मोबाइल बरामद किए हैं। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह के खिलाफ और जांच की जा रही है, उन्होंने और कहां कहां ठगी को अंजाम दिया है और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिर थाने में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 418, 420, 77, 78, 71, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजा जा रहा है। थाना मैनाठेड़ में थाना प्रभारी मैनाठेड़ और सीओ बिलारी के नेतृत्व में करीब 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ये लोग लोगों से ज़मीन के एग्रीमेंट करते थे और जब उनको पेमेंट करना होता था तो चिल्ड्रंस बैंक के जो पैसे होते हैं उनको ऊपर नीचे नोट लगा के उन नोट को दे देते थे और उसके बाद में, क्योंकि नॉर्मली ब्लैक मनी का जो पैसा होता है उसको कोई काउंट नहीं करता है और इसी में लोग कन्फ्यूज होके इनसे जो नकली नोट है वो ले लेते थे और एग्रीमेंट इनको कर देते थे। इसी में एक पूरा एक गैंग जो पकड़ा गया है जो 10 लोगों का है, जिसमें एक महावीर सिंह पुत्र लल्लू सिंह है, ये मजोला के हैं, बाबूराम सैनी है, ये थाना सिविल लाइन के हैं, दलवीर सिंह है, ये थाना भगतपुर के हैं, संजीव कुमार ये भी थाना भगतपुर के हैं, राजेंद्र कुमार ये थाना मजोला के हैं, अमरपाल सिंह ये भी थाना मजोला के हैं और सतवीर सिंह सैनी है, ये थाना पाकवाड़ा के रहने वाले हैं, जयप्रकाश हैं, ये ठाकुरद्वारा थाने के रहने वाले हैं और इसके अलावा एक संजीव कुमार उर्फ निक्कू ये थाना मजोला के हैं और इरशाद पुत्र शफीक ये थाना मीरगंज जिला बरेली के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था जो कि लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा था। पहले भी इनके द्वारा कई लोगों के साथ में ठगी की जा चुकी है, जिसमें करीब 6 मुकदमे पहले से इनके खिलाफ पंजीकृत थे और इसमें थाना मैनाठेड़ पर आईपीसी की धारा 418, 420, 67, 68, 71, 504, 506 आईपीसी के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से करीब 28,50,000 रुपये के जो नकली नोट है चिल्ड्रन बैंक के वो इनके पास से बरामद हुए हैं। करीब 11,090 रुपया वो इनके पास से जो ओरिजिनल जो मनी है वो इनके पास से प्राप्त हुई है। 4 इनके पास से देसी अदद तमंचे मिले हैं, 7 जिंदा कारतूस मिले हैं और 4 जो फोर व्हीलर है इनके पास से वो बरामद हुई है, 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए हैं और ठगी करने के लिए 5 कीपैड वाले जो छोटे मोबाइल हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इनके जो गैंग है इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि इनके द्वारा अन्य कोई इस तरह के मामले किए गए हैं किन किन लोगों के साथ में, तो वो भी कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करके आगे इसमें इन सब लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो फेक जो चिल्ड्रन बैंक नोट है ये किस डिनोमिनेशन में थे ये पूरे नोट्स जो थे इसमें? देखिए, जो चिल्ड्रन बैंक का जो पैसा होता है तो वो उसमें 10 के भी नोट थे तो उसमें 100 के, 500 के, उस तरह के 2000 तक के जो नोट्स थे वो इन्होंने अपना बना रखे थे जो कि इजीली मार्केट में बच्चों को खेलने के लिए मिल जाते हैं, तो उनको इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रिंट करा के और ये इस तरह का जो ठगी का काम ये लोग करते थे और ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसमें कुछ सीधे साधे जो लोग हैं वो इसमें इनके जाल में फंस जाते थे और इनसे जो पैसा है वो लेके और इनको पेपर रजिस्ट्री वगैरह और जो बिनामे हैं जमीन के वो कर देते थे। तो कितने टाइम से कर रहे थे ये लोग? ये काफ़ी दिनों से ये लोग कर रहे हैं और ये पूरा एक इनका एक बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इनके 2015 के भी मुकदमे हैं और इसके अलावा 2017 के मुकदमे हैं, 2020 में इनके द्वारा इस तरह की घटना की गई थी। ये पूर्व में भी इस तरह का जो गैंग है वो घटना करता रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। Thank you.